म्यूजिक। सर क्या बात है सर। सो फ्रेंड्स कैसे हो आप सब, आई होप कि सब बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स मैंने आप लोगों के लिए फिर से न्यू स्टाइल के साथ हिंदी डीजे व्हाट्सएप स्टेटस वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल लेके आ चुका हूं दोस्तों। जिस तरह का अभी अपने प्रीव्यू पर देख लिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको कुछ इसी प्रकार का न्यू स्टाइल के साथ डीजे व्हाट्सएप स्टेटस क्रिएट करने वाले, आप भी क्रिएट कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों आज को वीडियो एडिटिंग हम स्टार्ट करते हैं। इस तरह से वीडियो क्रिएट करने के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले अपने कायन मास्टर को सॉन्ग बीट मार्क इंपोर्ट करना। जो सॉन्ग बीट मार्क इंपोर्ट करोगे इंटरफेस है कुछ इस प्रकार दिखेगा। फ्रेंड्स मैं जितना भी मटेरियल यूज करूंगा सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आसानी से डाक के डाउनलोड कर सकते हो और यूज कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको ऑल मटेरियल मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो जब सॉन्ग बीट मार्क इंपोर्ट करो इंटरफेस है कुछ इस प्रकार दिखेगा। दिखने के बाद फ्रेंड्स सबसे पहले दोनों की मदद से थोड़ा बहुत जूम कर लेना। जूम हो जाने के बाद फिर सबसे पहले फर्स्ट में दिखेगा आपको तीन जो दिख रहा है यहाँ पर रेड कलर का बैकग्राउंड, तो इसमें क्या फील करना तो देख लीजिए फ्रेंड्स। तो वीडियो पर दी थाम के बैठ जाइए, मैं आपको ए टू जेड सेटिंग बताने वाला हूँ। आपको सबसे पहले जो रेड कलर का दिख रहा है फर्स्ट रेड कलर के बटन पे क्लिक करना, रिप्लेस का ऑप्शन पे क्लिक करना। रिप्लेस का ऑप्शन पे जैसे क्लिक कर दोगे फ्रेंड्स उसके बाद क्या करना, आपको अपना गैलरी से यहाँ से वीडियो क्लिप को रिप्लेस कर लेना। फाइनली जैसे फर्स्ट वीडियो क्लिप है ये रहा तो मैं इसको रिप्लेस कर लेता हूँ। फिर से सेकंड जो दिख रहा है आपको रेड कलर का क्लिक करना, रिप्लेस का ऑप्शन पर क्लिक करना। फिर से अपना गैलरी से यानी जो डाउनलोड की वीडियो उसको यहाँ से फिर से ऐड करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे रिप्लेस करना। जैसे इस वीडियो को मैं रिप्लेस कर लेता हूँ। उसके बाद फिर से मैं यहाँ से जो दिख रहा है ब्लैक रेड कलर पर उसको क्लिक करता हूँ, रिप्लेस का उसमें भी क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ से और एक वीडियो क्लिप को रिप्लेस कर लेता हूँ। सॉरी फ्रेंड्स मैंने गलत वीडियो क्लिप रिप्लेस कर लिया, तो मैं यहाँ से मैं इसको रिमूव करके जो मेरा वीडियो क्लिप है मैं उसको यूज कर मतलब कि रिप्लेस कर लेता हूँ। रिप्लेस हो जाने के बाद दोनों की मदद से थोड़ा बहुत इस तरह से जूम करना। जूम कर लोगे फ्रेंड्स उसके बाद आपको यहाँ पर दिखेगा ब्लैक कलर का बैकग्राउंड, उस पर क्लिक करना, रिप्लेस का ऑप्शन भी क्लिक करना और अपना गैलरी से यहाँ से फोटो रिप्लेस कर लो। फाइनली जैसे अपना गैलरी से फोटो रिप्लेस कर लेता हूँ। मतलब खुद का फोटो रिप्लेस करना चाहते हो कुछ इस तरह से रिप्लेस कर सकते, नहीं तो गर्ल्स फोटो यूज कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है और आप वीडियो क्रिएट कर सकते हैं आसानी से। तो इस तरह से मैं जितना भी ब्लैक का बैकग्राउंड देख रहा समय को कुछ इस प्रकार से फोटो रिप्लेस कर लीजिए। कुछ दूर तक जब फोटो रिप्लेस कर लो उसके बाद फिर से आपको यहाँ पे आपको दो रेड कलर का बैकग्राउंड देखा, तो फर्स्ट जो रेड कलर बैकग्राउंड देखा उस पर क्लिक करना, रिप्लेस का ऑप्शन पे क्लिक करना और फिर से यानी कि अपना गैलरी से यहाँ से वीडियो क्लिप को रिप्लेस कर लेना। जैसे मैं वीडियो क्लिप रिप्लेस कर लिया उससे फिर से दो आपको यहाँ पे यहाँ जो ब्लैक कलर बैकग्राउंड फोटो रिप्लेस करना, उसके बाद फिर से रेड कलर बैकग्राउंड पर क्लिक करना, रिप्लेस का ऑप्शन पर क्लिक करना और फिर से यहाँ से वीडियो क्लिप को रिप्लेस कर लेना। फाइनली जैसे मैं यहाँ से वीडियो क्लिप को रिप्लेस कर ले तो ये मेरा वीडियो क्लिप रिप्लेस हो चुका है। उसके बाद मैं जितना भी ब्लैक का बैकग्राउंड दिख रहा है उस समय फोटो रिप्लेस कर ले रहा, तो फोटो किस तरह से रिप्लेस करना आप सबको समझ में आ चुका। तो इस तरह से फटाफट से फोटो रिप्लेस कर लीजिएगा सॉन्ग के लास्ट तक। चलो फिर जो फोटो रिप्लेस करने का काम है मैं फटाफट से कर ले, तो उसके बाद वीडियो का प्रोसेस है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सो फ्रेंड्स देख लो मेरा फोटो सॉन्ग के लास्ट तक रिप्लेस हो चुका है। इसमें इफेक्ट ऐड करना, इफेक्ट ऐड करने के लिए को डन करना, सबसे पहले फर्स्ट आ जाना, आ जाने के बाद वीडियो क्लिप यहाँ से तीनों वीडियो क्लिप को मैं स्किप कर लेता हूँ। स्किप हो जाने के बाद जब यहाँ से देखो मेरा फोटो स्टार्ट हो रहा है, तो मैं फोटो पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद को जाने के लिए ग्राफिक के ऑप्शन पे क्लिक कर देना और स्क्रॉल के नीचे आ जाना। नीचे आने के पास मिलेगा वहाँ पे एक ऑप्शन जैसे मैं दिखा दे रहा हूँ, ये रहा कॉल मी डीजे, इस पर क्लिक करना, अपने फोन नंबर इफेक्ट इसको ऐड करना। फिर सेकंड फोटो पे क्लिक करना, क्लिक ग्राफिक पे जाना, उसको नीचे आना। नीचे आने के बाद फिर से कॉल मी डीजे का ऑप्शन पे फोन नंबर इफेक्ट ऐड करना। ये जो कॉल मी डीजे का फोन नंबर इफेक्ट फाइनली इधर के कुछ फोटो को फिल कर लेना। तो कहाँ तक फिल करना तो चलो मैं बता दें, जो कॉल मी डीजे का फोन नंबर इफेक्ट है फाइनली इधर के कुछ फोटो में फिल करना को यहाँ तक फिल करना। उसके बाद वीडियो क्लिप स्टार्ट हो जाएगा और वीडियो क्लिप स्टार्ट हो जाने के बाद वीडियो क्लिप जब एंड होगा इसके बीच में दो फोटो को मिलेगा, तो यहाँ पे दोनों फोटो में फिर से कॉल मी डीजे का फोन नंबर इफेक्ट ही ऐड करना, अदर इफेक्ट ऐड नहीं करना। अदर इफेक्ट ऐड करोगे तो जो फोटो में बीट के साथ जो इफेक्ट ऐड मजाने के एडजस्ट नहीं होगा। इस तरह से कॉल मी डीजे का फोन नंबर ही ऐड कर लेना। उसके बाद फिर से वीडियो क्लिप स्टार्ट हो जाएगा तो कुछ नहीं करना, फिर से वीडियो क्लिप के बाद भी कुछ फोटो में फिर से वो कॉल मी डीजे का फोन नंबर इफेक्ट ऐड करना। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो अच्छा लग रहा तो जरूर लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा। फ्रेंड्स मैं वीडियो रेगुलर नहीं ले पा रहा हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम है और इस तरह से कोई रेगुलर वीडियो देखने को मिलेगा, तो इस तरह से ऐड करना कुछ इस तरह से कॉल मी डीजे का फोन नंबर इफेक्ट इधर के कुछ फोटो में ऐड करना। तो कहाँ तक ऐड करना, तो यहाँ तक ऐड करना, यानी कि 14 सेकंड 525 पॉइंट तक कॉल मी डीजे का जो
फोन नंबर इफेक्ट इसको ऐड करना, 14 सेकंड 525 पॉइंट के बाद जो फोटो है उस पर क्लिक करना, किलोग्राफी पे जाना, उसका नीचे आना, नीचे आने के बाद मतलब इन एनिमेशन का ऑप्शन पे क्लिक करना, 5 नंबर ऐड करना, डन करना, फिर सेकंड फोटो पे क्लिक करना, किलोग्राफी पे जाना, उसका नीचे आना और फिर जाना होगा इन एनिमेशन का ऑप्शन पे, यहाँ से 6 नंबर ऐड करना, डन करना, फिर सेकंड फोटो पे क्लिक करना, किलोग्राफी पे जाना, उसका नीचे आना, नीचे आने के बाद फिर कॉल में फिर जाना इन एनिमेशन का ऑप्शन पे 3 नंबर इफेक्ट ऐड करना, डन करना, फिर सेकंड फोटो पे क्लिक करना, किलोग्राफी पे जाना, उसका नीचे आना, फिर जरा इन में से एक ऑप्शन पे यहाँ से 8 नंबर इफेक्ट ऐड करना। जिस तरह मैं अभी 4 फोटो इफेक्ट ऐड करके दिखा, मैं इस तरह से कुछ फोटो में इसी तरह से इफेक्ट ऐड करना, जिस तरह मैं अभी ऐड करके दिखा दिया हूँ 4 फोटो इस तरह से इफेक्ट फाइनली इधर के कुछ फोटो को फिल कर लेना, यानी कि वो यहाँ तक ऐड कर लेना है, यानी कि आपको ऐड कर लेना 17 सेकंड 829 पॉइंट तक, 829 पॉइंट जो 17 सेकंड 829 पॉइंट तक ऐड कर लो, उसके बाद जो फोटो है फ्रेंड्स, यानी कि इस फोटो में भी ऐड कर लेना आपको, यानी कि वो ऐड करना 18 सेकंड 140 पॉइंट तक, उसके बाद जो फोटो है 18 से 40 पॉइंट के बाद फोटो पे क्लिक करना, किलोग्राफी पे जाना, टेंशन इफेक्ट पे क्लिक करना, 5 नंबर इफेक्ट इसको ऐड करना है, जो टेंशन का 5 नंबर इफेक्ट फाइनल यहाँ से को 3 फोटो में फिल करना, जिससे यहाँ से मैं 3 फोटो में फिल कर, तो आप इस तरह से फिल कर लीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स जो फोटो का 19 सेकंड 347 पॉइंट के बाद फोटो पे क्लिक करना, किलोग्राफी पे जाना, उसका नीचे आना, नीचे आने के पास मिलेगा ओवरवेल एनिमेशन 4, इस पर क्लिक कर देना और इसको नीचे आना, 11th नंबर इफेक्ट इसको ऐड करना, फिर सेकंड फोटो पे क्लिक करना, किलोग्राफी पे जाना, इसको नीचे आना, फिर से जाना ओवरवेल एनिमेशन 4 पे, जिससे मैं ओवरवेल एनिमेशन 4 पे क्लिक करता हूँ, क्लिक कर देने के बाद 11th नंबर इफेक्ट इसको ऐड करना, ये जो ओवरवेल एनिमेशन 4 का 11th नंबर इफेक्ट फाइनल इधर सॉन्ग के लास्ट तक ऐड करना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगे, अगर वीडियो जरा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताना कमेंट बॉक्स में वीडियो को कैसा लगा, और मेरे चैनल पर नए नए विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो अभी और आप इस तरह से फटाफट से वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगे, वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू, इस तरह से वीडियो क्रिएट करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए दोस्तों आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू, इस तरह से इफेक्ट सॉन्ग के लास्ट तक ऐड करना, उसके बाद जो एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिखा इस पर क्लिक करना, और जितना स्टीम वीडियो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं कम ज़्यादा करके आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।